जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि ही तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। वोम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि आप सभी जीवित प्राणियों की इंद्रियों पर शासक हैं, इसलिए आपको केशव कहा जाता है। हे केशव, क्या आप कृपया मुझे पहले बताए गए स्थित प्रज्ञ के बारे में और अधिक समझा सकते हैं? क्या आप कृपया पूरी तरह से बता सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ की विशेषताओं की व्याख्या क्या है, जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है और उस मन को आत्मा पर निरंतर ध्यान में लगाता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे व्यवहार करता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे कार्य करता है? एक स्थित प्रज्ञ कैसे देखभाल करता है और शारीरिक संबंधित अभ्यास करता है? स्थित प्रज्ञ के मन में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन पर कृपा करके इन विवरणों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करें। आइए हम अच्छे लोगों, ज्ञानमय लोगों और महान व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास करें और उन्हें प्रेरणा के रूप में लेते हुए उनकी महान प्रथाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। श्रीमद् भगवद् गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द
याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, हे श्रीमन्नारायण मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन्नारायण मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं, मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन्नारायण आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है, मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया, मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने आठ वादे किए हैं। श्रीमन्नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अधिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन्नारायण जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन्नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, जय श्रीमन्नारायण। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि ही तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। ओम। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिः तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।